क्या आप जानते हैं इस बालकनी से मुझे किसका घर नजर आ रहा है? अनुपमा का। अनुपमा तो आ गई है मुंबई और शायद सामने वाले घर में अनुज, अनुपमा, काव्या और वनराज है। तो चलिए ताका झाकी करते हैं इस घर में और देखते हैं क्या है यहाँ का आज का अपडेट। इन्वेस्टमेंट नहीं एहसान है, ताकि उस एहसान के बोझ के तले मैं चुपचाप बैठा रहूं और तुम दोनों चाहे जो मर्जी करते रहो। तुम्हें अनुपमा से जो मतलब रखना है रखो, खुल्लम खुल्ला रखना है रखो, पेशा होके रखना है रखो। अनुपमा के एक्स पति वनराज और दोस्त अनुज की टशनबाजी, वनराज का ड्रामा, शगुन में अपशगुन, स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में हो रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां आज वनराज और अनुज एक दूसरे के आमने सामने हैं और एक दूसरे को खूब खरी खोटी भी सुना रहे हैं और बेचारी अनुपमा चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रही। लेकिन आज जहां वनराज अनुज को खरी खोटी सुना रहा है तो वहीं अनुज भी चुप नहीं बैठा। आखिरकार अनुज का गुस्सा भी आज फूट पड़ा। इन्वेस्टमेंट नहीं एहसान है, ताकि उस एहसान के बोझ के तले मैं चुपचाप बैठा रहूं और तुम दोनों चाहे जो मर्जी करते रहो और मेरी पूरी फैमिली कानून के तीन पत्थर बन के बैठी रहे, ना कुछ बोले, ना कुछ सुने, ना कुछ कहे। असल में अनुज ने रखवाई है अपने घर पर पूजा, जिसमें अनुपमा और पूरा शाह परिवार शामिल हुआ है। और ये पूजा अनुज ने इसीलिए रखवाई है क्योंकि अनुपमा और अनुज की बॉम्बे वाली डील पक्की हो चुकी है। सभी बेहद खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन खुशियों पर ब्रेक तब लग जाता है जब वनराज पूजा में पहुंचता है और शुरू करता है अपना ड्रामा। असल में अनुज ने वनराज का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है और अब वो अनुपमा और अनुज की पार्टनरशिप वाली कंपनी में एम्प्लॉय बनकर रहेगा। लेकिन ये बात वनराज को हजम नहीं हुई और वनराज ने पहले तो बहुत ड्रामा किया और उसके बाद अपना प्रपोजल पूजा की अग्नि में जलाकर खाक कर दिया। ड्रामा क्रिएट करना तो वनराज की आदत है, ये जहाँ पर जाते हैं और ख़ास यहाँ पर आए हैं इस मौके पर, तो वो तो ऑब्वियसली ये अनुपमा भी जानती है कि फैमिली भी जानती है कि वो कुछ ड्रामा करना है। बापूजी भी इस बात से डर रहे हैं, अनुपमा भी डर रही है कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा, और वही किया इन्होंने, हमें बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया, ड्रामा किया। पूरे शाह परिवार के सामने वनराज अनुपमा और अनुज पर इल्ज़ाम लगा रहा है, उनके रिश्ते पर सवाल उठा रहा है। बेचारी अनुपमा चाहकर भी कुछ कह नहीं पा रही। वनराज पैदा ही खड़ूस हुआ था। लोग जब पैदा होते हैं तो डॉक्टर उन्हें उठा लेता है, वो नीचे गिर गए थे तो सिर पे थोड़ा सा, उनको शहद खिलाने के बजाय पहले करेला चटाया था। बट यू नो व्हाट, अनुपमा में वनराज जैसा कैरेक्टर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो अनुपमा और अनुज की पॉजिटिविटी दिखेगी नहीं, तो एक नेगेटिव उस लेवल का होना चाहिए तभी पॉजिटिविटी दिखती है। क्या बोलती हैं आप? हाँ, कॉन्फ्लिक्ट जब तक नहीं हो तब तक कोई भी मतलब पॉजिटिव कैरेक्टर शाइन नहीं करेगा। ऐसे टाइम पे जब वो अनुज कपाड़िया जैसे बिजनेस टाइकून की पार्टनर बन रही है, अनुज कपाड़िया कैसे वनराज को लेटर आता है कि भाई साहब आपका प्रपोजल जो है वो एक्सेप्ट कर लिया गया, तो वनराज की ईगो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है। उसको ये लगता है कि वो पार्टनर बन जाएगी और हम एम्प्लॉय बन जाएंगे उसके, तो इसलिए वो गुस्से में तमतमा के यहाँ पे आता है बोलने के लिए कि बॉस ये क्या है। अनुज के घर पर ड्रामा तो चल ही रहा है, लेकिन इससे पहले अनुपमा के घर पे भी ड्रामा हो चुका है और ये ड्रामा करने वाला वनराज तो था ही, उसके साथ साथ अनुपमा की सासू माँ भी है। पूजा की इनविटेशन कार्ड पर जब अनुपमा की सासू माँ ने अनुपमा और अनुज का नाम साथ में देखा तो उन्हें गुस्सा आ गया और गुस्से में सासू माँ ने इनविटेशन कार्ड फाड़ दिया। नाम जुड़ा है। किस बात से गुस्सा है आपका?
फिर कोई घरेलू कार्ड नहीं है, कोई हैप्पी बर्थडे का कार्ड नहीं है, कोई तीज त्योहार का कार्ड नहीं है। ये तो एक नया बिजनेस शुरू हो रहा है, उसकी पूजा का कार्ड है, तो इसमें पार्टनर के नाम एक साथ में नहीं जप सकते। भाई वनराज की ईगो हर्ट हो चुकी है क्योंकि वो अनुपमा के अंडर काम नहीं करना चाहता। खैर ये ड्रामा तो सीरियल में चलता रहेगा, लेकिन बिहाइंड द सीन हो रही है अनुपमा और अनुज की ढेर सारी मस्ती, जहां दोनों एक दूसरे के साथ रील बनाते नजर आए। वैसे इस पूजा की खास बात ये है कि अनुपमा और अनुज ट्विनिंग कर रहे हैं और एक दूसरे को खूब कॉम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। हम दोनों ट्विनिंग कर रहे हैं। ओह माय गॉड, ये कब हुआ? ये तो सीन पूरा होकर हमें पता ही नहीं चला। तो भाई हम तो यही चाहेंगे कि जल्दी से ऑल इज वेल हो जाए, लेकिन ये सीरियल की दुनिया है, ट्विस्ट के बिना मजा भला कैसे आएगा। मुंबई से विशाल शर्मा और अनुराग गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।